उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मामले पर अब सियासत हुई तेज। जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर इसका श्रेय लेने का लगाया आरोप। कहा, जीत गए तो क्रेडिट ले रहे हैं और हार जाते तो दूसरे पर डाल देते। कहा कि कोई दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर और निकल गए तो सब उनका। जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये बीजेपी की रणनीति है, फाइनल मैच में हार गए तो कुछ नहीं कहा। श्रवण कुमार ने आगे बोला कि भाजपा के नेताओं को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, अगर देश में कोई शुभ काम होता है तो उनको नहीं जाने देना चाहिए। वहीं श्रवण कुमार ने वायरल ऑडियो पर कहा कि अगर मंत्री ने ऐसी बात कही है तो पार्टी बात करेगी और आगे की कार्रवाई होगी। उन लोगों के लिए मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, ये सवाल उठाया जा रहा है आप लोगों पे। तमाम राज्यों के जो थे तो वहाँ पे नोडल अधिकारी गए, तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन बिहार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये पूरी बात जो आप बता रहे हैं इसमें बिहार के लोग और बिहार की सरकार काफ़ी संवेदनशील है। जब भी ऐसे मामले देश के अंदर होते हैं, देश से बाहर भी होते हैं, तो बिहार की सरकार तत्परता के साथ बिहार के लोगों को चिंता करती है, चिंतन करती है और उनके लिए दुआ भी करती है और उनके लिए कोशिश भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार चुप बैठी है और काम नहीं कर रही है। ये तो यहाँ के हमारे अधिकारियों ने बात किया होगा वहाँ के अधिकारियों से, सब तरह से काम चलता रहता है। ये तो भाजपा एक सगुफा छोड़ते रहती है, जब जीत गए तो क्रेडिट, अभी तो हार गए क्रिकेट में तो क्रेडिट लेना चाहिए। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। घटक दल है राजद, राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। अब राजद MLC है सुनील सिंह, वो भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सवाल उठा। अरे भाई उठाने न दीजिए, वो सब कुछ है। लालू जी सवाल नहीं ना उठा रहे, तेजस्वी जी सवाल नहीं उठा रहे, बाकी लोग जो सवाल उठाते हैं उनका कोई मतलब है जी? अगर हम सवाल उठावे और नीतीश कुमार जी सवाल नहीं उठावे तो हमारा कोई मतलब है? झोंक में कुछ बोल जाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो बोलते हैं नाप तौल के बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, राज और राष्ट्र के हित में बोलते हैं, कानून और संविधान के हित में बोलते हैं। हम लोग तो जो घटनाएं घटती है उसके बारे में गंभीरता से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जीत गए तो उनकी क्रेडिट, हार गए तो दूसरे पर, कुछ दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर और निकल गए तो सब उनका। यही तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही नीत है। हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग संवेदनशील हैं, हम लोग राज्य और देश की जनता के प्रति समर्पित हैं। जो कमिटमेंट है हम लोगों का उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सर, आपके जो मंत्री हैं रत्नेश सदाउन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आप ही के पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन करने की बात कह रहे हैं। हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर अगर ऐसी कोई बात कही गई है और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्य करना अच्छा नहीं। क्या आपने मंत्री पे कार्रवाई करी? मंत्री पे कार्रवाई होगी रत्ने सदा? नहीं, बात करेंगे, बातचीत से समस्या का हल होता है तब ना कार्रवाई होती है। ये सारा चीज बातचीत से हल हो जाएगा, उसकी चिंता आप लोग ज़्यादा नहीं कीजिए, निपट लेंगे। भाई खुद हम लोग भी बातचीत करेंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, दोनों सहयोगी हैं, अगर बीच में कोई बातचीत हुई है तो उसका रास्ता निकालेंगे, बीच बिछाव करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग को 2024 का मिशन फतह करना है कि हम लोग इधर पुतला उतला में हम लोग खड़े मिल जाएंगे, सीधे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा से मुक्त भारत को करेंगे। गुटबाजी की बात जो आ रही थी, भाजपा कह रहे थे कि जेडीयू में गुटबाजी है, तो लगता है कि गुटबाजी वाकई है? अच्छा, वहाँ नहीं है, भाजपा में गुटबाजी नहीं है। नहीं देखे थे प्रोग्राम भाजपा में, मोदी जी बेचारे को एकदम किनारे कर दिया, कौन गुट हो गया? रविशंकर जी को अलग थलग कर दिया, कौन गुट हो गया? और जो लोग बने हुए हैं बेचारे, उनका कुछ चल नहीं रहा है।
दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, कुछ बिहार के लिए ना सोचते हैं ना करते हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और 2024 में लोकसभा भेजा दो राम करने में लगे हैं। उनसे काम चलने वाला बिहार को और देश को करेगी, वही आप लोग भी करेंगे क्या है? जो भाजपा करेगी वही आप लोग तो भाजपा जो करेगी वो उस रास्ते पर बिल्कुल हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जो बिहार की जनता के साथ, देश के जनता के साथ कमिटमेंट किया है उसको एक एक करके पूरा करेंगे। हम लोग जुमलाबाज लोग नहीं हैं कि साल में 2 करोड़ नौकरी और महंगाई कम, औने पौने भाव में रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कारखाना बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, उसमें से हम लोग नहीं हैं। हम लोग देश को महात्मा गांधी के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान में जो प्रद शक्तियाँ हैं उसका इस्तेमाल करके इस देश में जो वंचित लोग हैं, इस देश में जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनको मुख्यधारा में लाने वाले लोग हैं। हम लोग नाथूराम गोडसे को देवता मानने वाले नहीं हैं। हम लोग आरएसएस के लोग नहीं हैं कि गांधी के हत्यारे नहीं हैं। हम लोग गांधी के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।